वीडियो सामने आई है अजीत देवल की अपने एक थिंक टैंक से बात करते हुए, पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड एक शॉक में है और सबसे ज्यादा झटका जो लगा है ना वो इंडिया को लगा है। इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत दोवल साहब, उनके कहने पे ये वर्चुअल मीटिंग हुई है। कम से कम 15 पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल, 15 से 20 लेफ्टिनेंट जनरल एंड अबव, चार पांचों ममालिक के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आइंदा आइंदा होने वाला क्या है, ये क्या है जो होगा। उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया कि वो सर्विंग ये जर्नैल थे या ये रिटायर्ड थे। बट आप देखें कि इंडिया और चाइना की आपस में सख्त लड़ाई है लेकिन दे शेयर द प्लेटफॉर्म। तो साथ में उन्होंने बड़े गुरूर के साथ ये कहा है, मैंने कहा जी मैं ये पाकिस्तानी जर्नैलों को बिल्कुल नहीं की बात मानता कि जनाब ये पाकिस्तान को हम बड़े ही सालों से 20-40 साल से इग्नोर कर रहे हैं, हमने इनको न्यूक्लियर कंट्री भी बनने दिया और ये दहशतगर्दी को भी पनपते हैं, अब टाइम आ गया इनको टकरने का। जो बड़े इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें इंडिया आके खड़ा होता है, दैट गिव्स देम अ लॉट ऑफ फेस वैल्यू। बहुत ज्यादा उसके अंदर जो है ना पाकिस्तान के लिए वार्निंग्स हैं। हम यहाँ पे जो एक तबका बहुत ज्यादा प्री मेच्योरली तालियां बजा के बहुत ज्यादा खुश हो रहा है, तो ये तालियां बजाने का टाइम नहीं है जबकि इस तरह की वार्निंग्स आ रही हों। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। पाकिस्तानी मीडिया की हवा निकल गई है जब से भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल जी का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी के जनरल से टच में हैं ये बताया है। और अभी अजीत डोवाल जी ब्रिक्स की मीटिंग को भी चेयर कर रहे हैं अफगानिस्तान के इशू को लेकर। भारत को इंटरनेशनल मंच पर आगे देखकर पाकिस्तानी की नींदें हराम हो गई हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में और क्या कह रहा है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन के बटन को भी ज़रूर दबाएं। और आप अपनी राय भी कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जय हिंद जय भारत। वीडियो सामने आई है अजीत देवल की अपने एक थिंक टैंक से बात करते हुए और सबसे ज्यादा झटका जो लगा है ना वो इंडिया को लगा है और इंडिया को समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। और इसमें अजीत देवल साहब जो हैं, जो कि उनके मेन सारी पॉलिसी बनाती हैं और हम हमेशा सबूत हमने फराहम किए हुए हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये सारा जो बलूचिस्तान के अंदर बाकी पाकिस्तान के इलाकों में दहशतगर्दी के वाकयात को वो ओवरसी कर रहे थे अफगानिस्तान के थ्रू, तो उनकी ये वीडियो सामने आई है कि उन्होंने लुबलबाब उनका जो उन्होंने कहा है, एक तो उन्होंने जो ये इंकशाफ किया है ये क्रास साहब ने मुझे ज़्यादा तवज्जो के तब्जूल किया है कि बाकी तो ठीक है जो वो गलत साबित हुए हैं, मगर ये जो इंकशाफ उन्होंने किया है कि 12 उन्होंने कहा जी कम से कम 15 पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल, 15 से 20 लेफ्टिनेंट जनरल एंड अबव उसके सिर्फ 4-स्टार जनरल होता है जो कि जॉइंट चीफ ऑफ चीफ स्टाफ होता है या फिर आर्मी चीफ होता है, तो मौजूदा आर्मी चीफ तो नहीं मिले, उसकी खबर तो खैर बहुत आ जानी थी सामने, साबिक आर्मी चीफ हो सकते हैं। उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया कि वो सर्विंग ये जर्नैल थे या ये रिटायर्ड थे। और उनका जी 12 महीने में मुख्तलिफ जगहों पे मैं इनको मिलता रहा हूँ, हमें ये थोड़ा बहुत तो बताया जाता है कि जनाब NSS की मीटिंग हुई या एक बैक चैनल हम रखते हैं, मगर उसकी एक्सटेंट उसकी वसत और जितना तवातर ये बता रहे हैं कि 15 से 20 लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान आर्मी के मिलते रहे हैं, तो एक तो ये पता चलता है कि बहुत ज़्यादा रबते बैक चैनल पे बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो साथ में उन्होंने बड़े गुरूर के साथ ये कहा है, मैंने कहा जी मैं ये पाकिस्तानी जर्नैलों को बिल्कुल नहीं इनकी बात मानता और जैसे कि मैं कभी भी पाकिस्तानी जर्नैलों की बात नहीं मानता, बड़े गुरूर से कहा है, यकीन नहीं करता। उन्होंने बड़े कहा जी ये मैं बिल्कुल इनकी इस बात पर यकीन नहीं करता, जैसा कि मैं कभी भी इनकी बात पर यकीन नहीं करता।
तो वो उसमें एक बड़े मजाहिया किरदार लग रहे हैं इस तरह की बातें करते हुए, कि जो है वो लग नहीं रहा कि इतना एक संजीदा जॉब के ऊपर वो, बहरहाल प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो हैं NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, कौमी सलामती के मशीर हैं। हमें, हमारे लिए लेसन ये है कि इस वक्त इंडिया तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इसके ऊपर तलमलाया हुआ है, और उनकी जो आखिरी उम्मीद थी कि पनशेर वैली के अंदर पता नहीं वहाँ से रेसिस्टेंस मुज़ामत आएगी और शायद ये जंग दोबारा शुरू हो, वो भी पनपते हुए नज़र नहीं आ रही है। मोस्ट प्रॉब्ली या तो वो विदड्रॉ कर जाएंगे या तस्खीर कर लिए जाएंगे, वो अब किसी को उनसे कोई उम्मीद नहीं रही। और इंडिया भी अपनी पॉलिसी बदल रहा है। आज की खबर ये है कि मोदी साहब ने पुतिन को, रूस के सदर को जो है, उनसे बातचीत की है, और वो उनके ज़रिए अब कुछ बीच में घुसने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अदरवाइज़ इंडिया टोटली जो उससे अफगानिस्तान से रिलेटेड गुफ्तगू शनीद है उसके अंदर टोटली आउट है, उनके ज़रिए आ रहे हैं। हमारे लिए सिर्फ लेसन ये है कि इंडिया के साथ साथ जो अमेरिका से मैसेजेस आ रहे हैं, जो अमेरिकी सदर ट्रंप के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे जॉन बोल्टन साहब जो हैं, उनको बाद में निकाल दिया गया था, उन्होंने बहुत ही एक खौफनाक किस्म का आर्टिकल वाशिंगटन पोस्ट में लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब ये पाकिस्तान को हम बड़े ही सालों से, 20-40 साल से इग्नोर कर रहे हैं, हमने इनको न्यूक्लियर कंट्री भी बनने दिया, हमने इनको जो है ना ये भी अलाउ किया कि अफगानिस्तान में ये जो हम हारे हैं वो भी इनकी वजह से हैं, और ये दहशतगर्दी को भी पनपते हैं, अब टाइम आ गया इनको टकरने का और इनका लेसन बनाने का और सबक हासिल करने का। बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है ना पाकिस्तान के लिए वार्निंग्स हैं और बहुत ज़्यादा इस तरह का है। तो सिर्फ ये है कि क्या सब का व्यू उस पर चाहूँगा कि हम यहाँ पे जो एक तबका बहुत ज़्यादा प्री मेच्योरली तालियां बजा के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, हमारे लिए बड़ा ही चैलेंजिंग टाइम है। अफगानिस्तान एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और तो हमें भी बहुत ही गौर व फिक्र करके इसके ऊपर देखना है, सोचना है, और पूरी दुनिया के साथ और ख़ास तौर पे नेबर्स के साथ चलना है। तो ये तालियां बजाने का टाइम नहीं है, जबकि इस तरह की वार्निंग्स आ रही हों और आपके लिए बड़े मुश्किल हालात हों, हमें गौर व फिक्र इस पर करना चाहिए। जो ब्रिक्स नेशंस हैं उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स जी की मुलाकात हुई है, वर्चुअल मुलाकात, जो कि बेसिकली जो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत दोवल साहब, उनके कहने पे ये वर्चुअल मीटिंग हुई है। 5 बड़ी स्टेट्स जो हैं वो शामिल हैं, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो अजीत दोवल साहब हैं, उन्होंने इसका इजलास बुलाया, और बेसिकली ये इसकी, आप ये कह लेंगे, एक स्पेशल तो इजलास है, डिस्कशन हुई है, और वो क्योंकि एक जो तालिबान का एक टेक ओवर हुआ है अफगानिस्तान का, उसके हवाले से है। तो एक मेरा ख्याल है कि 4-5 ममालिक के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आइंदा आइंदा होने वाला क्या है, ये क्या है जो होगा। इंडिया जो है वो उसने अपने आप को इसमें बड़ा प्लेस किया है और फाउंडिंग मेंबर्स में से था, और अबव ऑल देखा जाए तो इसमें देखें कि रशिया का बहुत बड़ा एक क्लाउड है, एक सुपर पावर रही है, ग्रेट पावर रही है और अभी भी ग्रेट पावर है रशिया, और उन्होंने चाइना के साथ मिलके, चाइना अगेन एन इमर्जिंग ग्रेट पावर है, इंडिया, सो साउथ अफ्रीका जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से, फिर ब्राजील से, ब्राजील आ गया, तो ये 5 ममालिक जो है दे हैव अ ह्यूज वैल्यू। बट आप देखें कि इंडिया और चाइना की आपस में सख्त लड़ाई है, लेकिन दे शेयर द प्लेटफॉर्म, जो क्वाड की स्टेट्स हैं, दे शुड गिव अ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू इंडिया। अब आप इमेजिन करें कि जितना भी एक बड़े ग्लोबल जो इंस्टीट्यूशन है, जो बड़े इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें इंडिया आके खड़ा होता है, दैट गिव्स देम अ लॉट ऑफ फेस वैल्यू।